अरे गाड़ी का चाबी किधर है? बेबी जिस पार्किंग में कोई नहीं लगा पाया वहाँ तुमने लगा दी। हाँ तो क्या और कैसे लगती है? ऐसी लगती है, वो आगे छोड़ के चला गया, उसको लगानी नहीं आई पार्किंग। लेकिन तुम गाड़ी कैसे पार्क करती हो? तुम तो कैमरे में भी नहीं देखती हो। वो जो गंदे गुटके वाले ड्राइवर होते ना हाईवे पे, हैं उस्ताद जी खींच के रखी हो, हैं खींच दे खींच दे पीछे खींच दे, हैं लगा दे लगा दे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाय फ्रेंड्स वेलकम जी। हम जा रहे हैं और बस जा रहे हैं, हम लोग एक काम से जा रहे हैं और अभी दिल्ली से आए हैं, तो थोड़ा सा दिल्ली का खुमार अभी दिमाग पे चढ़ा हुआ है। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, बोलना है कैसे बोलना। चक्कर चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर पकड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरा जो मास्क लाई थी वो भी फेड हो गया। और दोनों ने दिल्ली वाले कपड़े पहन लिए। ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है बेबी। पतली भी लग रही हो, लूज है ना इसलिए। लूज से पतला होने का क्या मतलब है? होता है, लूज पहनने से पतला लगता है आदमी। फेस या वैसे। तो जी हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, आप लोग को मिलते हैं रास्ते में। थोड़ी सी धीरे धीरे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ता जाएगा, जबान की पावर भी बढ़ती जाएगी। आओ मेरे साथ। तो आप लोग तैयार हो हमारे से चलने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। इतनी भी क्यूट नहीं हूँ मैं, है ना, लगी हूँ ना मैं भी कैमरे पे, मतलब अंदरूनी हूँ, बाहर से नहीं दिखता। ये बटन दबाया कि तोड़ा है? दबाया है यार। मैंने ना अभी लिपस्टिक लगाई है, अगर मैं मास्क लगा लूंगी ना तो मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। तो मत लगाओ ना, गाड़ी में ही तो जाना है। हाँ वही तो, इसी लिए ना लगा ले रही हूँ। वहाँ फिर उतर के तब तक लिपस्टिक भी हट जाएगी, बल कम हो जाएगी गाड़ी में। कोरोना बढ़ गया ना, सुना है? बॉम्बे में तो कम हो गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बॉम्बे में कम हो गया, दिल्ली में बढ़ रहा है। सुनो दिल्ली में टाइम पे वापस आ गए, वरना सुना फ्लाइटें बंद हो रही है। तो जी मैं अपना चश्मा लगाना भूल गई हूँ, आए झुलस गई। चश्मा लगाना भूल गई हूँ, लाई हुई हूँ लेकिन लगाया नहीं है, बैग में ही है। और अविनाश वहाँ गेट तक गया है, अभी आएगा गाड़ी में, तब तक मैं गाड़ी में बैठती हूँ। ये सीट खाली करेंगी या बैग को ही ले जा रही है अपने साथ? गुस्सा नहीं बेबी, गुस्से से जिंदगी नहीं चलती बेबी। यहाँ है वहाँ, हैंडल क्या दिखा रही हो बेबी? पेट्रोल जीरो। तो जी अभी सबसे पहले पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी तफरी मारेंगे मॉल में। मॉल में मारेंगे तफरी, बेबी मेरे को कुछ खरीद के दे देगा। उस मॉल में पता है बेबी कुछ ऐसे शोरूम है जो बॉम्बे में कहीं नहीं है। चलिए हमें थोड़ा दूर जाना है, तुझसे दूर जाना है। खत्म हो गया है और जैसे ही खत्म हुआ है हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाक है, लेकिन संभावना को कुछ सब्जियां दिख गई हैं और कह रही है मैं सबसे पहले सब्जी खरीदूंगी, मैं मानूंगी नहीं। बीच रोड में चौराहे पे सब्जी खरीदना शुरू कर दिया उसने। मैं निकालू? ज्यादा लगा रहे भैया लहसुन का? थोड़ा ठीक लगाओ, आधा किलो लूंगी, ठीक लगा दो, 50 रुपए का दे दो आधा किलो। ये 10 का है ना? 10 रुपए देना। बेबी कैसी हाय तो मचा दी तुमने सब्जी के लिए। अरे ऐसा कुछ पागल है सब्जी देख के, ऐसे लगा रुपया बिक रहा है फ्री में। बेबी फ्री ही थी बिल्कुल, 10 रुपए किलो खीरा ककड़ी, 10 रुपए किलो, कैसे छोड़ दूं मैं? औरत हूँ भाई, घर संभालती हूँ, मुझे पता है ना। जब तक गाड़ी निकलती है ना तब तक कांदा भी ले आती हूँ फटक से, मिल जाएगा मेरे को सस्ता। जब गाड़ी निकल रही है क्या? आ गया क्या भैया? आ गया। अच्छा भैया तो कांदा भी मिलेगा ना? कांदा किधर मिलेगा? कांदा इधर ही मिलता ना, आगे मिलेगा ना, आगे मिलेगा, लेकिन गाड़ी छोड़ के गई तो फिर निकालेंगे नहीं गाड़ी। आप कांदा खरीदवा दो भैया। आगे मिला, हम लोग तो स्टैंड पे रहते हैं। फिर भी औरत की मदद करो, आगे मिलेगा कांदा? हाँ मिलेगा। कांदा टूटे आए भी, मार्केट में गाड़ी घुसा दी तुमने। मैं वही हूँ शनि बाजार वाली दिल्ली के, मैं कैसे छोड़ दूँ? कांदा किधर है? दूधी सब है, करेला दूधी, कांदा नहीं दिख रहा बेबी। अरे वो हार्ट शेप वाले बिस्किट बिक रहे थे जो बचपन में खाते थे ना छोटे छोटे। और ये देखो ये भी तो, ये वाले बिस्किट तो बहुत खरीद के लाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, हार्ट शेप वाले के, और काजू वाले बिस्किट, मतलब काजू की शेप में और थे बिस्किट। हाँ देखो पीछे कोई है। 60 रुपए? 70 रुपए क्या? 60 रुपए? 70 रुपए 70 रुपए किलो या 60? अच्छा ये 70 रुपए। आंटी सच बोल रहे हैं क्या? सच बोल रहे हो ना आंटी? कैसे ले रहे हो आप? 50 रुपया दे दो भैया, 1 किलो कांदा दो। कॉफी भी पीनी है बेबी। अरे पहले अपना कांदा भजिया बटाटा तो कर लो। कितना हो गया? 110। 120। कौन सा दिया तुमने? 70 वाला। बेबी हम निकले यहाँ से फटाफट। तो
जी गाड़ी लग गई है पार्किंग में, 5 माले ऊपर भेजा है मैं पार्किंग के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर पार्क करके। इस मॉल में बॉम्बे में रहते हुए हम दोनों पहली बार आ रहे हैं। पार्किंग कूटे है, अरे गाड़ी का चाबी किधर है? बेबी जिस पार्किंग में कोई नहीं लगा पाया वहाँ तुमने लगा दी। हाँ तो क्या और कैसे लगती है, ऐसी लगती है वो आगे छोड़ के चला गया, उसको लगानी नहीं आई पार्किंग। लेकिन तुम गाड़ी कैसे पार्क करती हो, तुम तो कैमरे में भी नहीं देखती हो। वो जो गंदे गुटके वाले ड्राइवर होते ना हाईवे पे, है उस्ताद जी खींच के रखी हो, है खींच दे पीछे खींच दे। हाँ लगा दे लगा दे, लग गई। हाँ लगा दे क्या, लगा दे लगा दे, लग गई। लगा दे लगा दे, लग गई, खींच के हाँ लग गई। थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। ठीक कराई ना मैंने, ये तो एक ही है, इसमें तो लड़ाई होगी। नहीं मैं ज्यादा खाऊंगी नहीं, मैंने ज्यादा खाना ही नहीं है। फाइनली जो बेडशीट मुझे पसंद आ रही थी वो मुझे डबल बेड की नहीं मिली, सिंगल की मिली। पहले वाले स्टोर में भी यही हो रहा था और यहाँ भी यही हुआ, तो कह रहे अवेलेबल मतलब अभी नहीं है लेकिन बाद में मिलेगी। तो जी हम लोग गाड़ी में आ गए, हम लोग निकल रहे हैं। पहली बार हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है कि मॉल में ना हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यार बड़ा ही थका हुआ फील आ रहा था। आई डोंट नो, अच्छा नहीं लग रहा था। दो हमने छोटी छोटी चीजें खरीदी हैं, बट स्टिल घर जाके दिखाते हैं आपको। नहीं क्यों दिखाने क्यों है, क्यों नहीं मतलब किसने बोला है तुम्हें कि हमें दिखाओ, हमें दिखाओ क्या लिया, किसने बोला है? सब्जियां ली है, सब्जियां दिखा देना, करेला टिंडा बटिंडा सब दिखा देना। ये कहाँ से जा रहे हैं हम? अरे यार एक के बाद एक घुमाव आएगा ना अब। चलो चलो तेरी आंखें भूल भुलैया, चलो भूल भुलैया में घूमते रहो। एग्जिट देख के भी नीचू कैसे जाना है? उप्पू नीचू क्या उप्पू और वो नीचू ध्यान से बेबी। हाँ मैं चलाऊं क्या? अच्छा ये कौन बता रहा है? तुम चलाओ बेबी, मैं चाहती हूँ आज तुम चलाओ ये है, चला लोगे तुम? हाँ रुको बेबी, तो फट के हाथ में आ जाएगी। नहीं आएगी बेबी, नहीं आएगी क्योंकि पहले से ही फट के हाथ में देखने में साइड से बैठ के है। हाँ तो चलाने में क्या लग रहा है मेरे होते हुए भी? तुम क्या कर लोगी? नहीं तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये तो जो सामने वाले इस पे वो नहीं होता, यकीन नहीं होता तब डर लगता है। सामने वाला तो तुम्हें पता है कौन है, तो डर की क्या बात है? अरे लेकिन सामने वाले का पता है कौन है तभी तो, सामने वाले को कब जोश आ जाए कुछ पता नहीं ना। थकावट हो गई भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों बेबी रास्ता तो खाली मिला एकदम? बुखार से लग रहा है। बुखार हो गया है? चलो घर पे तुम चल के तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाता हूँ, है ना? पहले चाय पियेंगे। हाँ। फिर एक ब्रेक लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर करेंगे कलर बुक। मछली 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 खेलनी है? तुमने गोवा और दिल्ली का टाइम बिना मछली के कैसे काटा, मैं यही सोच रहा हूँ। मछली मिस की मैंने, मैं तेरे लिए इतनी सब्जी लाई हूँ कि तू याद रखेगी। अमिता दीदी ने सब्जी दीदी ने सब्जी लूटी है बस ये समझ ले, रोड पे पागलों की तरह। नहीं ले तेरा लहसुन, ले तेरा घिया, ले अपना बैग लो और इसमें से दो चार सब्जी तुम भी पकड़ो। गिरी 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 ला मेरे को दे। उतर उतर के मैं तेरे लिए सड़कों में भागी हूँ, मैंने कहा अदरक लहसुन कभी नहीं मिलता, देखो प्याज अदरक लहसुन, इसलिए मैं उतर उतर के सड़कों में भागी हूँ। और इतनी ली मैंने कहा याद रखेगी तू खुश हो जाएगी, ये तेरे को अच्छा लगता है ना बहुत। सब्जी देख के इतना ज्यादा बिना बोले। अरे दीदी को सब्जी वाले मारने वाले थे, कैसे पागलों की तरह लूटी थी सब्जी। अरे 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 मेरा फोन, अरे मेरा फोन। आवाज़
तो जी आ गई हूँ मैं रूम में, कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए, और मैं आपको बता दूं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अविनाश यहाँ पे काम कर रहा है अपना, और वो रहा कोको, ये रही चेरी, और ये रही मेरी बिल्ली चिड़ बिल्ली। सोने जा रहे हैं, आपको मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ये पकड़ना जरा एक सेकंड। यही व्लॉगिंग की है तुमने एंड है? ठंड बहुत हो गई, बम्बई में भी हो गई है पता है। बेबी बिल्कुल भी ठंड नहीं है पता तुम्हें।